नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव उपाध्याय आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसे गंभीर महाव्याधि के बारे में चर्चा करेंगे जो संसार में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। मित्रों, सबसे इस महाव्याधि का सबसे ज्यादा जो असर होता है, जो इसका पीड़ित व्यक्ति होता है, वह चर्चा करने से भी घबराता है, वो इसको छुपाता है। लेकिन जब इस व्याधि का ये गंभीर रूप ले लेती है और अधिक पीड़ादायक बन जाती है, उस समय उसको इसका चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और आयुर्वेद के अंदर इस महाव्याधि के बारे में लिखा है कि भले ही यह रोग एनस का रोग है, गुदा का रोग है, परंतु इसका प्रभाव पूरे शरीर पर, मन पर और इंद्रियों पर पड़ता है। यह आयुर्वेद में लिखा है कि जिस कुल में अर्श का रोगी हो, उस कुल में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। मित्रों, यह रोग आज संसार में 85% व्यक्ति कब्ज से पीड़ित हैं, और कब्ज ही इस महाव्याधि का मूल कारण है। इस रोगी को, इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है, वह निश्चित रूप से कांतिहीन, शरीर उसका पीला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दुर्बल दिखाई देता है, आलसी, और किसी काम में उसका मन नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति आपको बवासीर से पीड़ित व्यक्ति मिलता है। मित्रों, ये दो प्रकार की होती है, एक वातार्श जिसमें जलन होती है, दर्द होता है, खुजली होती है, और यह गुदा में बाहर की तरफ एक मस्से के रूप में उभरा हुआ एक अंगूर के दाने के बराबर इस प्रकार का मस्सा होता है, जो सोच करते समय उसमें दर्द और जलन होती है, लेकिन रक्त नहीं निकलता। दूसरी होती है रक्तार्श, जिसमें गुदा में 1.5 इंच अंदर अंगूर के गुच्छों के समान मस्से होते हैं, जो बड़े बड़े 1.5 इंच लंबे तक हो जाते हैं। जब व्यक्ति सोच करते समय अधिक जोर लगाता है कब्ज होने के कारण, तो उस समय मस्से कड़ा मल होने के कारण, जब हार्ड स्टूल होता है तो मस्से छिल जाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग इतनी होती है कि व्यक्ति का रंग पीला पड़ जाता है। मित्रों, रक्त की कमी शरीर के अंदर हो जाती है। ये गुच्छे जब इतने ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो इनको क्षार सूत्र द्वारा या सर्जरी के द्वारा इनको काट करके बाहर निकाला जाता है। मित्रों, यह गंभीर मलव्याधि है। किसी भी दवा का, किसी भी चिकित्सा पद्धति का इस पर तुरंत असर नहीं होता, क्योंकि जब तक रोग के मूल का इलाज ना हो, जो कब्ज इसका मूल जड़ है, इसका इलाज नहीं होगा, तब तक इस महाव्याधि से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। केवल दवा पर निर्भर नहीं होना है, इसके लिए आहार विहार, अनेक प्रकार के जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। मित्रों, तभी निश्चित रूप से लंबे समय तक लगातार प्रयास करने से सदा के लिए इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके द्वारा गलतियां फिर से दोहराई जाती हैं, तो ये रोग फिर से आपको जकड़ सकता है। इसलिए मित्रों, इस रोग का जो प्रमुख कारण है, लगातार कब्ज रहना, सोच के समय अधिक जोर लगाना, एलोपैथिक दवाओं का लगातार प्रयोग करना, गरिष्ठ भोजन करना, जो देर से हजम होने वाले पदार्थ हैं, बहुत सारे आज के समय में आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव के कारण फास्ट फूड और जंक फूड का, जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, मैदा से बने हुए पदार्थ जब लंबे समय तक व्यक्ति प्रयोग करता है, तो कब्ज के रोग से निश्चित रूप से पीड़ित होता है, उसका स्टूल भी हार्ड होता है, और मल, जो मल द्वार होता है, वो छिल जाता है, जिसके कारण से बवासीर की संभावना बढ़ जाती है। इस फाइबर नहीं होता जिस भोजन के अंदर, ऐसा भोजन इस रोग में त्याज्य है। मिर्च मसालेदार भोजन का परहेज करना चाहिए, और एक स्थान पर अधिकांश से लंबे समय तक बैठे रहने वाले व्यक्ति को इस रोग की संभावना अधिक होती है। मित्रों, इसका इलाज कब्ज के मूल कारण को दूर करना इसका प्रमुख इलाज का प्रथम सीढ़ी है।
कि कब्ज के मूल कारण को दूर करना, फल सब्जी सलाद सुपाच्य भोजन को जीवन में स्थान देना, गरिष्ठ तला भुना मांस मदिरा मछली उड़द दही और वात कारक पदार्थ जो वायु बढ़ाने वाले हैं, ऐसे पदार्थों का प्रयोग बंद करना चाहिए। मित्रों, कुछ चिकित्सा पद्धतियों का, घरेलू नुस्खों का और योग में कुछ विशेष आसन और प्राणायाम करने से यह रोग निश्चित रूप से आपके जीवन से दूर हो सकता है। मित्रों, आपको आयुर्वेद में कुछ विशेष औषधियां मैं बता रहा हूं, जिसका प्रयोग करने से इस रोग में बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। आयुर्वेद में अभियारिष्ट, उसके पश्चात अर्सोगनी बटी, चंद्र प्रभा बटी, अर्स कुठार रस और पंच सकार चूर्ण का प्रयोग करने से आपको इस रोग में बहुत लाभ होगा। कब्ज नहीं रहेगा, स्टूल आपका जो है हार्ड है वो ढीला हो जाएगा, जिससे मसों के छिलने की संभावना बहुत कम ना के बराबर रहेगी। मित्रों, इस सोच करने के बाद जब दर्द जलन और सूजन मलद्वार में हो, ऐसे स्थान पर जात्यादि तेल का प्रयोग करना। सोच करने के बाद उस तेल को आप गुदा द्वार पर लगाएंगे तो सूजन जलन और खुजली में आपको राहत मिलेगी। कुछ घरेलू उस नुस्खे भी मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, जिसका प्रयोग करने से जो हजारों साल के अनुभूत हैं, उनका प्रयोग करने से भी आप इस रोग में बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, रात को मूली को कद्दूकस करके ओस में रख लें और 100 से 200 ml उसके रस को मिश्री मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट पीने से आपको इस रोग में बहुत लाभ होगा। रक्तार्स में इसका बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। भीमसेनी कपूर को केले में रखकर थोड़ी सी मात्रा में आपको प्रातःकाल खाने से ये भी बहुत बड़ा अनुभूत प्रयोग है, जिससे बवासीर बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मित्रों, 3 दिन तक अगर आप सूप दूध मट्ठा जूस पर या पानी पर उपवास रखते हैं तो तत्काल बहुत अधिक बढ़ी हुई बवासीर, मस्से जिसमें रक्त बंद ना हो रहा हो, सूजन खत्म नहीं हो रही हो, आप 3 दिन उपवास रखिए, आपको तत्काल बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, इसके पश्चात 1 कटोरा दूध करीब 200 ml, उसमें तत्काल आप नींबू को निचोड़ें और दूध को फटने से पहले तत्काल सुबह एक साथ पी लें। आपको 3 से 5 दिन अगर आपने इसका प्रयोग किया तो बवासीर में आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, रात को 2 अंजीर आप भिगोएं, भिगो करके सुबह उसको खाली पेट चबा करके खाएं और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाएं, आपको बवासीर के रोग में बहुत लाभ होगा, कब्ज इससे दूर होगा। मित्रों, गुदा में एक छोटा सा सिक्का गुदा के पास रखें और उसको अधिक देर तक रोक करके रखने का प्रयास करें, उससे आपकी गुदा की नसों को शक्ति मिलेगी और आपकी सूजन दूर होगी और वहां की नसों को ताकत आएगी। रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच से 2 चम्मच इसबगोल गर्म पानी से रात को प्रयोग करने से कब्ज संबंधित बीमारियां दूर होती हैं और कब्ज अगर दूर होगा तो यह रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मित्रों, इस रोग में योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल बंध का अभ्यास प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम के साथ अगर आप करेंगे तो मित्रों, ये रोग गुदा द्वार से संबंधित रोग है। गुदा द्वार की जितनी गुदवलियां हैं, वहां की नसें जो फूल जाती हैं, उनको निश्चित रूप से बहुत शक्ति प्राप्त होगी, उनकी सूजन दूर होगी, गुदा द्वार आपका मजबूत होगा। मित्रों, इसके साथ साथ आपको अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करना है। आपने देखा होगा घोड़ा जब सोच करता है उसके बाद वो 20-25-30 बार कम से कम अपनी गुदा का संकुचन करता है, इसको अश्वनी मुद्रा कहते हैं। इस अश्वनी मुद्रा का अभ्यास आप सोच करने के बाद करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी से आपको बहुत लाभ होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, कपालभाति क्रिया का अभ्यास आप इसमें करें
और आसनों में अगर आप करें तो जानुशीरासन, सूर्य नमस्कार, वज्रासन, मंडूक आसन, पवन मुक्तासन, हलासन और सर्वांग आसन का अभ्यास, इसमें आपको लाभ प्राप्त कराएगा। और मित्रों, प्राकृतिक चिकित्सा में आप अगर त्रिफला के पानी का एनीमा आप अगर लेंगे, सबसे पहले मिट्टी की पट्टी अपने पेट पर रखें, उसके बाद आधा घंटा पेट पर पट्टी रखने के बाद आप त्रिफला जल का एनीमा लें, उससे आपकी इन समस्याओं का, बवासीर की जैसी महाव्याधियों पर विजय प्राप्त होगी। और इस गंभीर महाव्याधि, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को एक बार हो जाती है वह सोच के नाम से भी डरता है, जब जलन और सूजन 15-20 मिनट तक सोच करने के बाद उसको होती है, किस व्यक्ति के जीवन के सभी काम इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए विश्वास रखकर आप आयुर्वेद, योग, एक्यूप्रेशर में ये दोनों उंगलियों के बीच का एक केंद्र, ये इसको दबाना बहुत देर तक, ये एनस का पॉइंट कहलाता है, इसको दबाने से आपकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा और आप जीवन में उन्नति को प्राप्त होंगे, स्वस्थ रहेंगे। मैं यही आपके लिए कामना करता हूं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।